Okay, welcome students, and have a very nice evening to one and all present over here. Let me tell you that we are continuing the topic which we have taken yesterday. Okay, so we started with the classification, and especially we took yesterday some of the basics of the kingdom Animalia. Today we shall continue with it. Okay, yesterday we just have seen the six criteria to classify the non-chordates, and by using six criteria we classified non-chordates into these eight groups: Porifera, Cylindrata, Platyhelminths, Eschelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. Now we need to understand that as far as especially for the aspiring students of NEET, we need to go in depth and details of the classification of the non-chordates. Okay, only the classification up to the phylum level is not an important, but further detailing of each of that group is important. Most often times we usually study in theory the general characteristics of Porifera, Cylindrata, Platyhelminths and all these phyla, but we don't pay much attention towards the classification of each of these phylum. Okay, so the further and next classification of each of these phylum is also equally important. Okay, for the purpose of which today we shall just see the classes of Porifera. Here you can see that whatever general characteristics you studied in your theory, okay, so all members, examples of the Porifera having similarities with that respect, okay, so it shows or it resembles those characteristics. जो भी एनिमल्स पोरीफेरा के अंदर आते हैं वो सब के अंदर जो है सिमिलैरिटीज होते हैं कुछ, लेकिन उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बिना पे, ओके, बेस्ड ऑन दैट वी फर्दर क्लासिफाई पोरीफेरा इनटू थ्री ग्रुप्स, एंड दीज आर नथिंग बट हियर द फर्स्ट वन इज द कैल्केरिया, द सेकेंड वन इज द हेक्सा टिनेलिडा, ओके, एंड द थर्ड वन इज द डेमो स्पॉन्जी. ये तीन क्लास है, हर एक क्लास का के कुछ फीचर्स हम इसके अंदर देखेंगे, एंड फर्दर वी विल सी वन वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस क्लास. ओके, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक और समटाइम्स इट इज लाइक ट्विस्टेड एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ कंफ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ विच इसके आगे का क्लासिफिकेशन देखना जरूरी है. तो इन तीनों के बीच में किस बेसिस से हमने पोरीफेरा को तीन क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी देखना यहां पर जरूरी है, तो उसको हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये हर एक फाइलम के कौन से क्लास जो है आते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर. जैसे कि सिलेंटेरेटा के अंदर हम देखेंगे ये तीन क्लास है, दैट इज हाइड्रोजुआ, द सेकेंड वन इज द स्काइफोजुआ एंड द थर्ड वन इज दैट इज एंथोजुआ. ओके, ये तीन क्लास है सिलेंटेरेटा फाइलम के, पोरीफेरा के ये तीन क्लास. उसी तरह से अब हम देखेंगे प्लेटीहेलमिंथ्स, इसके तीन क्लास आते हैं, दैट इज नथिंग बट टर्बेल एरिया, ओके, द सेकेंड वन इज द ट्रिमेटोडा एंड द थर्ड वन इज सिस्टोडा. ध्यान रहे कि हम इसके बाद ये भी देखने वाले हैं कि हर एक क्लास के बीच क्या डिफरेंस है. ओके, एटलीस्ट वन टू टू और थ्री डिफरेंसेस आप इन क्लास के बीच में आपको मालूम होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक क्लास का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स के ऊपर होते हैं, और खास करके एग्जाम्पल्स होते हैं क्लास के. ओके, नॉट फाइलम, बट एक कुछ क्लास आपको पूछा जाएगा और उसके एग्जाम्पल्स आपको पता हो, मैच द फॉलोइंग हो या ट्रू और फॉल्स हो, तो इसके अंदर आपको ये काफी मददगार साबित होगा. एस्केलमिंस के अंदर जो है वो दो ही क्लास आते हैं, दैट इज द फाजमीडा एंड अ फाजमीडा. ओके, तो ये दो क्लास, जैसे कि एस्कारिस आप टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं, वन वन एक टिपिकल एग्जाम्पल भी हम देखेंगे उसके डायग्राम वगैरह, बट क्लास लेवल का क्लासिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद एनिलिडा के अंदर जो है वो चार क्लासेस आते हैं. अब तक हमने देखे कि पोरीफेरा के अंदर ये तीन क्लासेस है, सिलेंडेराटा के अंदर ये तीन है, प्लेटीहेलमिंथ्स के अंदर तीन क्लासेस है, एस्केलमिंथ्स के अंदर ये दो है, लेकिन एनिलिडा के अंदर जो है वो चार क्लासेस आएंगे, जिसके एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पॉलीकिटी, ओके, देन दी ऑलिगोकिटी
Okay. Then the third one, important one is that is the Hirudinaria. जिसके अंदर जो है वो लीच वगैरह कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंदर आएंगे. और जो है चौथा एक न्यू एक्सटिंक्ट क्लास है एक्चुअली, जिसको हम यहां पर देखेंगे कि आर्किनिडेल्ला. आर्किनिलिडा, ओके, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ एनिलिडा. आर्थ्रोपोडा, दिस इज द मेजर फाइलम, मेजर पॉपुलस, ज्यादा पॉपुलेशन जो जिसके अंदर आएंगी वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा की. ओके, सबसे ज्यादा इवन सभी नॉन सभी कॉर्डेट्स को अगर हम एक साथ मिलाकर जो है उनका नंबर देखेंगे स्पीशीज का, तो उससे कई ज्यादा गुना में नंबर होगा आर्थ्रोपोडा के मेंबर का. इंडिविजुअली मेंबर की तो बात छोड़ो, लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज अगर आप देखेंगे आर्थ्रोपोडा के, तो नियर अबाउट इसी के जो है वो 7 to 8 million, ओके सॉरी मीन 7 to 8 lakhs स्पीशीज जो है वो सिर्फ किसके होंगे, दैट इज आर्थ्रोपोडा के. अब इसके अंदर जो है पांच क्लासेज जो आते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिप्लोपोडा, पहले तो जो सबसे पहले है ऑनिकोफोरा, ओके, द सेकेंड वन इज दैट इज क्रस्टेशिया, द थर्ड वन इज दैट इज एराकनीडा, ओके, द फोर्थ वन इज दैट इज द डिप्लोपोडा, एंड द 1, 2, 3, 4, एंड फिफ्थ वन इज दैट इज द काइलोपोडा. ओके, और द मेजर ग्रुप इसके अंदर भी आता है, अगर आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे बड़ा वाला क्लास अगर कोई होगा तो वो है इंसेक्टा. इज इट क्लियर? मतलब टोटल 6 ग्रुप्स या 6 क्लासेस जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा के. द बिगेस्ट फाइलम ऑफ होल किंगडम एनिमेलिया, या फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एनिमल्स जिस ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं वो है आर्थ्रोपोडा. एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल, जैसे कि प्लांट्स के अंदर द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट कम्युनिटी इज द एंजियोस्पर्म, सिमिलरली हियर इज द केस फॉर किंगडम एनिमेलिया. सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो है आर्थ्रोपोडा. और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 क्लासेस है, और हर एक क्लास अपने आप में एक बहुत ही डाइवर्स क्लास है. अगर सिर्फ इंसेक्टा देखेंगे, सभी टाइप के इंसेक्ट्स इनके अंदर आएंगे. ये क्लास लेवल पे हम देख रहे हैं अभी, क्लास इंसेक्ट के, क्लास इंसेक्टा के 29 ऑर्डर्स आते हैं. यानी इतने टाइप के इंसेक्ट्स, डाइवर्स काइंड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दिस क्लास इंसेक्टा. क्रस्टेशी की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर क्रैब्स और जो है लोबस्टर्स, एराकनिडा, स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियंस है, तो इतने सारे अलग 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 किस्म के इसके अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं. उसको हम डिटेल में देखने ही वाले हैं जब ये फाइलम को हम स्टडी करेंगे. और खास करके आगे का जो ये क्लास है दैट इज द मोलूस्का, इसके अंदर हम देखेंगे कि टोटली इसके अंदर भी दैट इज द गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, ओके, और पेलिसिपोडा, पेलिसिपोडा, सिफेलोपोडा, उसके बाद जो है वो गैस्ट्रोपोडा, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्लास आएंगे जिसके अंदर स्नेल है. सिफेलोपोडा के अंदर जो है ऑक्टोपस, सेपिया है, ऑयस्टर वगैरह एग्जांपल जो है वो पेलिसिपोडा के अंदर है. इज इट क्लियर? और इसके अंदर जो है वो काइटॉन के लिए जो है एक अलग से जो है क्लास है, ओके, जिसके अंदर हम बोलेंगे अप्लैकोफोर और या फिर मोनोप्लैकोफोर्स, मोनोप्लैकोफोर्स, ओके, जिसके अंदर काइटॉन वगैरह आएंगे. तो ये 4 इंपॉर्टेंटली क्लासेस आएंगे मोलूस्का के अंदर. इकाइनोडर्माटा के अंदर जो है फर्दर 5 क्लासेस इसके अंदर आएंगे. पहले तो जैसे कि स्टारफिश का एग्जाम्पल आप जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जिसका क्लास है एस्टेरॉइडिया. जैसे कि स्टारफिश है उसी तरह से जो है ब्रिटल स्टार भी है, जिसका क्लास है ओफियूरॉइडिया, ओके, उसके बाद जो है होलो थुरॉइडिया, फाइन, और उसके बाद क्रिनोइडिया है और इकिनोइडिया है, इकिनोइडिया,
और क्रिनोइडिया। देखो अब स्टूडेंट्स, आप इन सब टर्मिनोलॉजी टर्म्स जो है, ये साइंटिफिक नेम्स जो है क्लासेस के वगैरह, ये देख के आपको लगता होगा कि इसको ध्यान में कैसे रखे और इसके एग्जांपल्स को वगैरह, लेकिन आप जब एक फाइलम लेके जब आप उसको पढ़ेंगे और जब इसके आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपको पता हो, तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जनरली हम देखेंगे कि पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, कुछ मरीन में है कुछ फ्रेश वाटर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो है कौन से जो है मरीन क्लास के मरीन क्लास है और कौन सा क्लास जो है वो फ्रेश वाटर है। सिलेंडरेटा के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर भी जो है कुछ फ्रेश वाटर के हैं, कुछ मरीन हैं, ओके, कुछ पॉलिप स्टेज के हैं, कुछ मेडुसा स्टेज के हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने आपके अच्छे हैं उतना जो है आप ये फर्दर क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, ओके। जैसे कि पोरीफेरा के ये तीन क्लासेस, ओके, सिलेंडरेटा के तीन क्लासेस, प्लेटिहेलमिंथस के तीन क्लासेस, एस्केलमिंथस के दो क्लासेस, एनिलिडा के चार क्लासेस, आर्थ्रोपोडा के टोटली छह क्लासेस है, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मोलुस्का के चार क्लासेस, इकाइनोडर्माटा के पांच क्लासेस। तो अप टू क्लास लेवल का फर्दर क्लासिफिकेशन आप इसको समझ लें, क्योंकि जो है आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खास करके अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप सुपरफिशियली स्टडी ना करते हुए उसको इन डेप्थ और इन डिटेलिंग उसकी आप जान ले, ओके। जैसे कि हम हमारे कुछ बेसिक क्लासेस के अंदर यहाँ तक हम पढ़े थे, जिसके अंदर आप जानते हैं कि पोरीफेरा, सिलेंडरेटा, प्लेटिहेलमिंथस, इन सभी के जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके। लेकिन अब इन्हीं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इन सब में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे पोरीफेरा, और फिर से तो एक दो या तीन जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक फाइलम के हम रिपीट करेंगे कि जिससे आपको थोड़ा सा रेज्यूमे या आप जो है रिकॉल कर सकेंगे या फिर आप जो है अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर सकेंगे कि इन फाइलम के पिक्यूलियर फीचर्स क्या है। द सेलियंट फीचर्स ऑफ ईच ऑफ दिस फाइलम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नीड्स टू बी कंसिडर्ड एंड नीड्स टू बी स्टडीड विद, ओके। वंस यू अंडरस्टैंड द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ दैट फाइलम, देन इजिली यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स एंड यू कैन फेस द क्वेश्चंस, वेदर इट इज असर्टिव टाइप ऑफ और मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ और ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ, ओके। तो अब इन सब क्लासेस को जो है हम पढ़ने वाले हैं, इनके बीच का डिफरेंस, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ओके, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हर एक फाइलम को क्लास लेवल पे हमने क्लासिफाई किया है और हर एक क्लास के 1 to 2 डिफरेंसेस हम देखेंगे और हर एक क्लास के 1-1 एग्जांपल्स भी हम इसके अंदर देखेंगे, ओके। जैसे कि पहले आता है दैट इज द पोरीफेरा, ओके, और पोरीफेरा के अंदर जो तीन क्लासेस है दैट इज कैल्केरिया, हेक्साटिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजी, ओके। तो इसको हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी क्लासेस के नाम सिर्फ मैं यहां पर वाइप करता हूं जिससे जो है फिर आपको आसानी होगी समझने में, और उसके बाद ये जो है इतने सारे फाइलम जो है हमको आज देखने हैं नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन, ओके, होप कि ये आज हम खत्म कर सकेंगे, ओके। कैल्केरिया, हेक्साटिनेलिडा और डेमोस्पोंजी, इन तीनों के बीच में अगर वन पॉइंट ऑफ व्यू या टू पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर हैबिटेट। जैसे कि आप जानते हैं कि पोरीफेरा के जो मेंबर है, जो एग्जांपल्स है, दे आर कंप्लीटली, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, ओके, जो सिर्फ पानी के अंदर मिलेंगे। लेकिन पानी या फिर एक्वाटिक कंडीशंस दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेश वाटर है, एक मराइन है। तो फ्रेश वाटर यानी जो है रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्वैम्प्स है, बॉग्स है, डिचेस है, ओके, रिजर्वायर्स है, ये सारे वाटर बॉडीज फ्रेश वाटर बॉडीज है, ओके। और उसके बाद मराइन के अंदर जो है वो सीज आते हैं, ओशियंस है, एश्यूरीज है, ये सारे जो है सॉल्टी वाटर जो है वो मराइन के अंदर आएंगे। तो कैल्केरिया, हेक्साटिनेलिडा और डेमोस्पोंजी, इसमें से जो है वो जो कैल्केरिया है, ओके, तो ये जो है सिर्फ मराइन होते हैं, मराइन, ओके। तो अगर हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं
दैट इज कैल्केरिया, ओके, ये मरीन, और सेकेंड जो है ये भी है जो हेक्साटिनिलिडा, ये भी मराइन वाटर में मिलते हैं। डेमोस्पंजी के जो एग्जाम्पल्स है वो कुछ फ्रेश वाटर, जैसे कि स्पॉन्जेस वगैरह हम उनका एग्जाम्पल जानते हैं, फ्रेश वाटर में कुछ होते हैं एंड कुछ जो है वो मराइन वाटर में होते हैं। अब देख ले कि जो सिलेंटेरेटा के जो तीन क्लासेस है उनके अंदर पहला वाला जो क्लास है हाइड्रोजोआ वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाया जाता है, और दूसरे जो वाले जो दो क्लासेस है वो मराइन है, ओके। अब पोरिफेरा के अंदर के जो पहले दो जो क्लासेस है वो पहले दो क्लासेस मराइन है, और उसके बाद जो आता है वो थर्ड वाला वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो ऑफ फ्रेश वाटर एंड मरीन। इज इट क्लियर? अब सेकेंड क्राइटेरिया की तरफ हम बढ़ते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉरीफेरा के, तो पॉरीफेरा के अंदर आप जान ले कि ये जो पॉरीफेरांस है तो सभी के उनके बॉडी के ऊपर जो है थ्रू आउट दी बॉडी पोर्स होते हैं, पोर्स एपर्चर्स होते हैं, लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर इज देयर, उनके बॉडी के अंदर एक एंडोस्केलेटन होता है, वो एंडोस्केलेटन का नाम है स्पिक्यूल्स। इज इट क्लियर? अब ये स्पिक्यूल्स जो है ये किससे बने हैं, ओके, व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्पिक्यूल? अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं साइकॉन जो कि आता है कैल्केरिया के अंदर, ये साइकॉन एग्जांपल अगर हम ये रीजन अगर हम फोकस करते हैं तो इनके अंदर कुछ ऐसे बॉडीज मिलेंगे आपको, ओके, कुछ अमीबोसाइट्स, कुछ कैवानोसाइट्स, ओके, वाटर करंट को जो है बॉडी के अंदर लेने के लिए कुछ ऐसे सेल्स है जिसको कैवानोसाइट्स कहा जाता है, ओके। अब ये क्या है, सी एच ए एन ओ सी वाई टी एस, कैवानोसाइट्स, ये एक स्पेसिफिक फीचर है पॉरीफेरा का, ओके, जिसका फंक्शन है कि वाटर करंट जो है वो क्रिएट करता है और वाटर को अंदर ले लेता है। ये सारे जो बॉडी के ऊपर के जो एपर्चर्स है उन एपर्चर्स को कहा जाता है ऑस्टियम। इज इट क्लियर? और ये जो बड़ा वाला एपर्चर है एक ही सिंगल, इसको कहा जाएगा ऑस्क्यूलम, ऑस्टियम एंड ऑस्क्यूलम। जो पॉरीफेरा मतलब जो दो पोर्स है, ओके, दो टाइप के पोर्स, एक मेनी पोर्स और स्मॉलर इन साइज ऑस्टियम, एक सिंगल इन नंबर एंड मोर इन साइज दैट इज ऑस्क्यूलम। ऑस्टियम कैसे है, मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज, और ऑस्क्यूलम वन इन नंबर एंड लार्जर इन साइज, ओके। तो इसी के बिना पर इनको नाम मिला है पॉरीफेरा, पोर्स, पोर्स है तो वो कौन से पोर्स है, ऑस्टियम और ऑस्क्यूलम। ये कुछ फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा जो है आपका ध्यान मुझे जो खींचना है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज आई वॉन्ट टू फेच योर अटेंशन एट द टर्म दैट इज कॉल्ड एज स्पिक्यूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिक्यूल्स, व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्पिक्यूल्स, इसके बिना पर ये तीनों का यहां पर क्लासिफिकेशन किया है। स्पिक्यूल्स कभी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, ओके, तो कभी वो सिलिका से बनते हैं, तो कभी वो स्पॉन्जिन फाइबर से बनते हैं। जब स्पिक्यूल्स मतलब ये कुछ ऐसे बॉडीज है, ओके, जो कि क्या है एंडोस्केलेटन, लाइक ऐसे जो है ट्राइएक्सॉन मतलब डायएक्सॉन, ओके, जैसे तीन अगर उसके अंदर डायरेक्शंस है ऐसे, ओके, ये एक्सॉन, जैसे कि हमारे अंदर बोन्स होते हैं उनके अंदर ये स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि उनको इंटरनली सपोर्ट करते हैं एंड दे प्रोवाइड देम अ मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो स्पिक्यूल है कैल्केरिया के अंदर के जो स्पिक्यूल है एज पर द नेम सजेस्ट इटसेल्फ वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए है, कैल्शियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर? अब हेक्साटिनिलिडा को अगर हम देखेंगे तो ये जो बने हैं वो सिलिका से बने हैं, सिलिका, ओके, सिलिका। और थर्ड जो आता है दैट इज नथिंग बट द डेमोस्पॉन्जी, तो डेमोस्पॉन्जी के अंदर जो स्पिक्यूल्स बने हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर से बने हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स, ओके। अब ये देखना जरूरी है कि सभी के अंदर जो है वो स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं, कुछ के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए स्पिक्यूल्स होते हैं और कुछ के अंदर बिल्कुल भी एब्सेंट रहते हैं। इज इट क्लियर? ये डेमोस्पॉन्जी के अंदर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, द बेस्ट एग्जांपल है कैल्केरिया का
वो है साइकॉन. ओके, वन मोर एक एग्जांपल है, दैट इज अ ल्यूकोसोलेनिया. ओके, कल कुछ स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था यहां पर सुपर चैट में कि जो है ये ल्यूकोसोलेनिया क्या है. तो ल्यूकोसोलेनिया ये साइकॉन की तरह ही दिखने वाला, जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो बॉडी है इस तरह से. ओके, इसी तरह से जो है कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है ल्यूकोसोलेनिया का. ओके, साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया जिसके अंदर जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए है और एक्सक्लूसिवली वो मराइन है, तो इनको कैल्कारिया ग्रुप में बिलोंग किया गया है. ओके, अब एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर जो है वो हेक्साटिनेलिडा का. यूप्लेटेला जिसका ये एनिमल का नाम है जो कि हेक्साटिनेलिडा को बिलोंग करता है. और सेकेंड है जिसको रोप स्पॉन्ज या ग्लास स्पॉन्ज कहा जाता है. ओके, जिसका नाम है हाइलोनीमा. इसका एक कॉमन नेम भी है यूप्लेटेला का, जिसको कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट. ओके, और हाइलोनीमा को भी कहा जाता है ग्लास स्पॉन्ज. ओके, तो ये जो दो एग्जांपल्स है राइट, ये हेक्साटिनेलिडा को बिलोंग करते हैं. अब हमारे कुछ जो है बाथ स्पॉन्जेस या फिर कॉमन स्पॉन्जेस जो मिलते हैं वो स्पॉन्जिला. ओके, अब ये जो स्पॉन्जिला है वो खास करके जिसको कहा जाएगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. और यूस्पॉन्जिया ये एक एग्जांपल है जिसको कहा जाएगा बाथ स्पॉन्ज इज यूस्पॉन्जिया. और स्पॉन्जिला जो है जिसको हम कहेंगे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो स्पॉन्जेस के अंदर भी जो है कुछ जो है डिफरेंसेस है. फ्रेश वाटर को कुछ स्पॉन्ज है, कुछ मराइने ने बाथ स्पॉन्ज है. जैसे कि यहां पर देखेंगे डेमोस्पॉन्जी जो है वो फ्रेश वाटर बॉडीज में भी मिलते हैं और मराइन वाटर बॉडीज में भी मिलते हैं. और ये इसके दो एग्जांपल्स है, यूप्लेक्टेला हाइलोनीमा ये हेक्साटिनेलिडा के एग्जाम्पल्स है, साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया ये कैल्कारिया के एग्जाम्पल्स है. ओके, तो इस तरह से हमने पोरीफेरा को सीखा. अब हम नेक्स्ट जो है फाइलम हमारा जो नॉन कॉर्डेट का वो है दैट इज सिलेंटेरेटा. ओके, इसको आप मेमोराइज करो, रिकॉल करो अच्छे से, और तीन क्लासेस के नाम जो है पोरीफेरा के फर्दर आप जान लो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्कारिया, सेकेंड वन इज हेक्साटिनेलिडा एंड द थर्ड वन इज डेमोस्पॉन्जी. अब जो सेकेंड है दैट इज दी सिलेंटेरेटा. अब जो मैं यहां पर राउंड जिस फाइलम को यहां पर करूंगा वो फाइलम हम पढ़ रहे हैं. ओके, अब सेकेंड जो फाइलम है सिलेंटेरेटा, जिसके कुछ जनरल फीचर्स आपको पता है, जिसके कुछ क्लासेस के अंदर जो है टेंटैकल्स होते हैं जो कि सेंसरी इन नेचर, विच रिसीव्स द स्टिम्यूलस फ्रॉम एटमोस्फियर एंड गिव्स द रिस्पॉन्स. ओके, एप्रोप्रिएट सुटेबल एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स. ये जैसे कि हमारे अंदर जो स्किन होती है सेंसरी, उसी तरह से उनके अंदर जो है जो बेस्ट एग्जांपल उनका जो है वो हाइड्रा है. ओके, जैसे कि यहाँ पर टेंटैकल्स है, इनके अंदर टेंटैकल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसको जो है नीडोब्लास्ट कहा जाता है. ओके, जो कि ऑफेंस एंड डिफेंस के अंदर यूज किया जाता है, ऑफेंस एंड डिफेंस. अब ये बात समझ लो कि जो ऑफेंस एंड डिफेंस है, मतलब अटैक किसी के ऊपर करना है या किसी उनके किसी प्रे पर अटैक करना है या किसी प्रीडेटर का अटैक को डिफेंड करना है, तो ये काम है नाइडोब्लास्ट, बिकॉज इट सिक्रीट सम यू नो द पॉइजनस सिक्रीशंस बिकॉज ऑफ विच इट इज हेल्पफुल फॉर देम इन ऑर्डर टू टैकल द क्रिटिकल सिचुएशंस. अब ये बात समझ लो कि पोरीफेरा के अंदर जो सेल्स मिलते हैं वो क्योनोसाइट्स. ओके, ये पोरीफेरा के अंदर मिलते हैं और नाइडोब्लास्ट ये स्पेसिफिक सेल्स है, एक पिक्यूलियर सेल्स वो सिलेंटेरेटा के अंदर मिलते हैं. और क्योनोसाइट्स का फंक्शन है कि वाटर करंट क्रिएट करना और पानी को अंदर आने के लिए मजबूर करना. और यहां पर जो है सिलेंटेरेटा नाइडोब्लास्ट जिसका फंक्शन है या फिर अटैक को डिफेंड करना. ओके, तो ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं. ओके, अब हम बढ़ते हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंटेरेटा. और एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि सिलेंटेरेटा के अंदर जो भी एग्जांपल्स आते हैं
वो एक तो पॉलिप स्टेज में रहते हैं या फिर मेड्यूसा स्टेज में रहते हैं, ओके okay, और ये इसके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस है, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। अब अगर जो जो फॉर्म कॉलोनियल है, जो कि एक साथ कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, क्राउडेड रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं, उनको कहा जाएगा कॉलोनियल फॉर्म्स। और जो सिंगली सिंगल रहते हैं और फ्री लिविंग रहते हैं, जिनको हम कहेंगे मेड्यूसा, ओके फ्री लिविंग। और ये पॉलिप जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं। और मेड्यूसा रिप्रोड्यूसेस इन सेक्सुअल मैनर, ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, दैट इज मेड्यूसा। तो अब इसी स्टेज के ऊपर कुछ इसके अंदर के जो तीन क्लासेस है वो पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज वाइज भी हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको इनको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको आज के लेक्चर के इंट्रो में बताया था कि ये जो है दैट इज दी सिलेंटेरेटा, ओके सिलेंटेरेटा के जो तीन क्लासेस है दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रोजुआ, ओके सेकेंड वन इज द स्काइफोजुआ एंड द थर्ड वन इज दैट इज एंथोजुआ। और जो क्राइटेरिया से हमने इनको डिफरेंशिएट किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि इसका हैबिटेट कैसे है। मैं आपको बताऊं कि पोरीफेरा का जो पहला क्लास था वो फ्रेश वाटर मराइन था, सेकेंड क्लास जो था हेक्साटेनिलिडा वो भी मराइन था, थर्ड क्लास जो था पोरीफेरा का डेमोस्पॉन्जी वो जो है फ्रेश वाटर और मराइन दोनों थे। लेकिन इनके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट पाया जाएगा, हाइड्रोजुआ जो है उनका हैबिटेट ये फ्रेश वाटर प्लस जो है मराइन दोनों में पाए जाते हैं, इज इट क्लियर। सेकेंड स्काइफोजुआ को अगर देखेंगे तो एक्सक्लूसिवली क्या है, मराइन जेलीफिश वगैरह बेस्ट एग्जांपल है स्काइफोजुआ के। और कोरल्स वगैरह जो मिलते हैं कोरल्स वो होते हैं एंथोजुआ के अंदर, ओके जिनका एग्जांपल और जिनके जो हैबिटेट है वो है मराइन वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर एंड मराइन होते हैं फर्स्ट क्लास और फिर उसके बाद दो ये मराइन। अब जो स्टेजेस आते हैं हाइड्रोजुआ के अंदर वो पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों भी आते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि पॉलिप यानी हाइड्रोजुआ ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके और फिर मेड्यूसा में डेवलप होते हैं, और फिर मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और पॉलिप तैयार करता है, फिर पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और मेड्यूसा तैयार करते हैं। स्टेज का नाम है वो पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब इसी को कहा जाएगा मेटाजेनेसिस या फिर इसी को कहा जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये नॉन कॉर्डेट के अंदर कौन सा फाइलम दिखाता है, दैट इज सिलेंटेरेटा। एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन अल्टरनेट होना, मतलब पॉलिप के बाद मेड्यूसा और मेड्यूसा के बाद पॉलिप, ये दो जनरेशन एक दूसरे से अल्टरनेट होने का नाम मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके। सेकेंड जो डिफरेंस हम देखेंगे इसके अंदर वो है ये मेड्यूसा स्टेज, सिर्फ इसी के अंदर मेड्यूसा स्टेज मिलती है, यानी स्काइफोजुआ ये ऐसा क्लास है कि जिसके अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देयर इज नो पॉलिप स्टेज इन स्काइफोजुआ। लेकिन आपको क्वेश्चंस होगा एग्जांपल्स के ऊपर, इसीलिए आपको पता हो हाइड्रोजुआ के एग्जांपल्स, आपको पता हो स्काइफोजुआ एंथोजुआ के एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस द वेरी फर्स्ट डे ओके ऑफ आवर लेक्चर सीरीज कि एग्जांपल्स क्लास ये टैक्सोनॉमी का जो जिस्ट है सेंट्रल थीम है, जितना आप रिकॉलिंग और मेमोरी के जितने टैक्स एंड यू नो ट्रिक्स आप यूज करेंगे उतना अच्छा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे एंथोजुआ के अंदर तो ये सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ओके असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है पॉलिप स्टेज। और मेड्यूसा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है मेड्यूसा। मेड्यूसा यानी सिर्फ सेक्सुअल और पॉलिप यानी असेक्सुअल, आई रिपीट अगेन एंड अगेन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, दैट इज हाइड्रा, ओके सेकेंड एग्जाम्पल इज ओबेलिया, थर्ड एग्जाम्पल इज फाइसेलिया, ओके ये कुछ एग्जाम्पल्स है हाइड्रा ओबेलिया एंड फाइसेलिया। फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ओके फाइसेलिया।
क्योंकि वो पूरी तरह से टेंटाकल्स वगैरह जो है उसके नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से ऐसे नीचे, जैसे कि हेयर है पोर्तुगीज मैन जैसे वॉर के लिए जाता है, ओके, युद्ध के लिए, और जो उसकी जो जुल्फे होती है उसी तरह से जो है यहां पर आपको देखने मिलेगा। सेकेंड जो है वो स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ के अंदर जो है ऑरेलिया और क्लासोपोरा। ऑरेलिया मतलब जेली फिश जिसको कहा जाएगा, और क्लासोपोरा, ओके, ये एग्जाम्पल्स है स्काइफोजोआ के। एंथोजोआ के अंदर सभी कोरल्स आएंगे, स्पेशली सी एनेमोन। सी एनेमोन आपने देखा होगा, ओके, नहीं तो आप गूगल आउट कर सकते हो इसको, सी एनेमोन बहुत ही खूबसूरत सा देखने वाला। और ये सारे सीज ओशन यानी मराइन वाटर के अंदर रहते हैं और बॉटम में रहते हैं, बॉटम में। आप नेशनल ज्योग्राफी या फिर जो है या आप डिस्कवरी वगैरह चैनल में देखते होंगे कि जो है नीचे जो सी बेड जैसे कि एक ब्यूटीफुल क्रिएचर्स रहते हैं, दीज आर नन अदर देन द कोरल्स, ब्यूटीफुल अलग अलग कोरल के कोरल्स। जो कोरल्स है वो एंथोजोआ को बिलोंग करते हैं, और एंथोजोआ क्लास ये सिलेंटरेटा फाइलम को बिलोंग करता है, ओके, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। और जो है फंगिया, नॉट फंगी बट फंगिया, दिस इज द एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल विच वी कैन क्लासिफाई अंडर दिस, ओके। और सी फैन यानी गॉर्जोनिया, गॉर्जोनिया मतलब सी फैन, ये एग्जाम्पल है एंथोजोआ का। देखो तो ये तीन क्लासेस को हमने वन, और ये हैबिटेट हुआ, ओके, सेकेंड इनकी स्टेजेस हुई सेक्सुअल स्टेजेस, ओके, और थर्ड जो है एग्जाम्पल्स। तो ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू हमने इनको, इन तीनों क्लास को डिफ्रेंशिएट किया है। इसी तरह से हम फर्दर देखेंगे प्लेटिहेलमिंथीज को, ओके, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो कल हमने देखा सिक्स क्राइटेरियाज, उसको भी हम एट द लास्ट रिपीट करेंगे कि ये जो सिक्स क्लासेस आते हैं वो छह क्लासेस, ये जो आठ क्लासेस है वो छह पॉइंट ऑफ व्यू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली छह पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, टाइप ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ सीलोम, टाइप ऑफ बॉडी प्लान, टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन, और जो है उनका जो है टाइप ऑफ सेगमेंटेशंस, ओके। तो इस छह पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सभी आठों को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी वी स्टडीड इट यस्टरडे, आज हम कुछ उसको डिटेलिंग में आप देख रहे हैं। अब पॉरीफेरा और सिलेंटेरेटा के बाद जो थर्ड जो फाइलम आता है दैट इज नोन एज द प्लेटिहेलमिंथीस, ओके। प्लेटिहेलमिंथीस मतलब फ्लैट वर्म। आप ये भी जान ले कि इनके नाम कैसे है, पॉरीफेरा पोर प्लस फेरा, सिलोम प्लस एंटेरॉन, प्लेट मतलब फ्लैट प्लस हेलमिंथ मतलब फ्लैट वर्म, ओके। अब प्लेटिहेलमिंथीस के अंदर जो तीन क्लासेस आएंगे जिसके नाम है, दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल हियर टर्बेलेरिया, ओके, टर्बेलेरिया, द सेकेंड वन इज ट्रिमेटोडा, ओके, एंड थर्ड वन इज सिस्टोडा। टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना जरूरी है कि इनका जो है हैबिट क्या है, हैबिटेट कैसे है, हैबिटेट, ओके, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट मतलब इनके फीडिंग हैबिट या फिर जो है अदर कॉमन हैबिट्स कौन से होते हैं ये देखना जरूरी है। फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स अगर ये है तो वो एक्टो पैरासाइट है या एंडो पैरासाइट्स है, ओके। तो ज़्यादातर पैरासाइटिक जो फीचर आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा आपको प्लेटिहेलमिंथीस के अंदर। सिर्फ टर्बेलेरिया अगर आपने छोड़ा, ये फ्री लिविंग है, इसके अंदर ज्यादातर या फिर ऑलमोस्ट नो एनी एग्जाम्पल इज देयर विच बिलोंग्स टू पैरासाइटिक नेचर। पैरासाइट्स इसके अंदर में रहते हैं लेकिन जो कॉज करते हैं डिसीजेस को वगैरह, ओके, तो वो पाए जाते हैं ट्रिमेटोडा क्लास के अंदर और सिस्टोडा क्लास के अंदर। पूरे एग्जाम्पल्स ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, खास करके मैमल्स, और खास करके मैमल्स के अंदर इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ये सिस्टोडा मिलेंगे, ट्रिमेटोडा लीवर के अंदर वगैरह भी पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं, तो एंडोपैरासाइट भी है और कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी है, ओके। लेकिन टर्बेलेरिया जो है इसका जो हैबिट है वो है फ्री लिविंग, ओके, और ट्रिमेटोडा जो है वो एक्टोपैरासाइट्स है और एंडोपैरासाइट्स भी है, और सिस्टोडा जो है वो खास करके एंडोपैरासाइट है, कंप्लीटली एब्सोल्यूटली जो है वो
एंडो पैरासाइट्स है, यानी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स जाते हैं उनको एंडो पैरासाइट्स कहा गया है, लेकिन बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर दोनों तरफ जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं वो ट्रिमेटोडा क्लास को बिलोंग करते हैं। ओके, अब ये देखना जरूरी है कि इनका जो रीजन कैसे है, टर्बेल एरिया, ओके, ये एक्वेटिक टेरिस्टेरियल भी है और ये तो पैरासाइट्स है, क्लियर, एक्वेटिक भी है, इसके अंदर टेरिस्टेरियल भी है, प्लेनेरिया जिसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल जो कि एक्वेटिक प्लेनेरिया भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेरिया भी होते हैं। ओके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एलिमेंट्री केनल। दूसरा इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एलिमेंट्री केनल वेदर इट इज प्रेजेंट और एबसेंट, ये यहां पर हमको देखना है। अब पहले जो दो क्लासेस है इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। अब टर्बेल एरिया अगर एग्जाम्पल ले लेंगे आप, जिसका एग्जाम्पल है दैट इज अ ट्राइंगुलर हेड जैसा होता है और फिर उसकी जो है इस तरह से बॉडी रहती है नीचे, इज इट क्लियर, उसके अंदर माउथ वगैरह और ये इसोफेगस और ये फैरिंग्स जो है ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो ओपन हो जाता है, वे एक्स्ट्रा सेल्युलराइजेशन जिसको हम कहेंगे, जिसे फंगस करते हैं उस तरह से ये करेंगे। एलिमेंट्री केनल है लेकिन इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट है। ट्रिमेटोडा के अंदर भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, लेकिन जो लास्ट वाला जो है दैट इज दी सिस्टोडा जो कि एंडोपैरासाइट है, और कंप्लीटली एंडोपैरासाइट मतलब विच लीव्स इन आर इंटेस्टाइन, विच रैप्स एंड कॉइल्स अराउंड आर इंटेस्टाइन एंड इट पियर्सेस इट्स पॉइंटेड एंड इन इंटेस्टाइन एंड सक्स द न्यूट्रिशन आउट ऑफ इट। सो व्हाटएवर वी ईट, व्हाटएवर द न्यूट्रिशन वी ऑब्टेन, ये न्यूट्रिशन ये एंडोपैरासाइट पूरी तरह से ले लेते हैं। ओके, तो इसीलिए इनके अंदर जो है वो एलिमेंट्री केनल इज एबसेंट। ओके, तो यहां पर प्रेजेंट, प्रेजेंट और एबसेंट, इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। और जो एग्जांपल्स है ये बहुत जरूरी है, द बेस्ट एग्जांपल ओके टू स्टडी द टर्बेल एरिया इज दैट इज नथिंग बट प्लेनेरिया, जिसको फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। सेकेंड जो है फैसिओला हिपैटिका मतलब लीवर फ्लूक, ये एग्जाम्पल है ट्रिमेटोडा का। ओके, टर्बेल एरिया ये क्लास का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ट्रिमेटोडा इस क्लास का एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, और जिसको बायोलॉजिकल नेम से भी जाना जाता है दैट इज द फैसिओला हिपैटिका, फैसिओला हिपैटिका। ओके, लीवर के अंदर रहने वाला एंडो पैरासाइट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आपको मिलेंगे, मैमल्स के अंदर भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। ओके, और थर्ड जो है दैट इज द टेपवर्म, जिसका बायोलॉजिकल नेम है टिनिया सोलियम। टेपवर्म टेप की तरह वर्म ये मिलता है, आप इसको गूगल आउट कर सकते हैं, वी हैव नॉट दैट मच ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू शो यू ऑल दिस इमेजेस एंड ऑल, लेकिन आप एग्जांपल्स इसको ध्यान में रखें, इनके फीचर्स को भी जान ले। ओके, और टिनिया सोलियम, टी ए एन आई ए टिनिया, और जो है वो सोलियम, एस ओ एल आई यू एम। ओके, ये टिनिया सोलियम टेपवर्म का एग्जाम्पल है। ओके, तो अब देखते हैं हम आगे, ये जो तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया है तीन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हैबिट हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, और थर्ड वन इज एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रख के, इनके फीचर्स ध्यान में रख के, इन जो एक क्लास है फाइलम है प्लेटिहेलमिंथ्स, इनको तीन क्लास के अंदर क्लासिफाई करने की वजह क्या है। ओके, कौन से बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है, वो बेसिस हम देख रहे हैं, वो क्राइटेरियाज हम देख रहे हैं, ताकि आपको भी पता हो कि ये तीन क्लासेस जो डिफरेंस, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है। और रही बात सिमिलैरिटीज की, जो जो भी हम क्लासेस देख रहे हैं उनकी सिमिलैरिटीज वही है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो एक फाइलम को बिलोंग करते हैं इसीलिए उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस है इसीलिए उनको अलग अलग क्लासेस में तब्दील किया गया है। अब देखेंगे हम आगे एस्केलमेंट्स। ओके, अब एस्केलमेंट्स के अंदर बहुत ही कम यानी एक ही पाया जाता है, दैट इज द पहले तो एक ही, लेकिन अगर हम देखेंगे फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस तो अफाजमीडा एंड फाजमीडा, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द क्लासेस। ओके, एस्केलमेंट्स हम ये देख रहे हैं एस्केलमेंट्स, और जिसके जो दो क्लासेस है दैट इज द फर्स्ट वन इज अफाजमीडा एंड द सेकेंड वन इज फाजमीडा। ओके, अफाजमीडा एंड फाजमीडा। अब ये एज पर द नेम सजेस्ट आप इसको समझ चुके होंगे कि ये इसका डिफरेंस क्या है। ओके, फाजमीड्स
जिसके अंदर होते हैं। अब वो फाजमीड नहीं है, जैसे कि हम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास आता है इंसेक्टा, और इंसेक्टा के अंदर जो 29 ऑर्डर्स आते हैं, ओके 29 ऑर्डर्स के अंदर जो है कुछ फाजमीड्स होते हैं जो कि एफिड्स फाजमीड्स आप जानते होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं फ्लीज लाइक वगैरह, तो वो फाजमीड्स को बिलोंग करते हैं। बट दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। एंड ये जो एस्केलमेंट्स है जिसके अंदर हम देखेंगे, दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो फाजमीड है ये क्या है। ओके द फाजमीड पॉइंट ऑफ व्यू इनको डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड है एम्फीड, ओके फाजमीड एंड एम्फीड। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लेते हैं फाजमीडा का, दैट इज द एस्कैरिस, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर मिलता है। ओके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अभी तक जो है, अब ये जो अगर हम देखेंगे प्लेटिहेलमिंथस, ओके इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता। ओके प्लेटिहेलमिंथस के अंदर जो पहला देखा था हमने, दैट इज द टर्बेल एरिया, देर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिजम्स। प्लेटिहेलमिंथस का तीसरा क्लास हमने देखा था, दैट इज सिस्टोडा, उसके अंदर भी देर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लेकिन जो बीच वाला जो था दैट इज दी ट्रिमेटोडा। ओके ट्रिमेटोडा के अंदर जो लिवर फ्लूक होते हैं, जिसके अंदर मेल लिवर फ्लूक भी होते हैं और फीमेल लिवर फ्लूक भी होते हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है किसके अंदर, एस्केलमिंथस के अंदर पाया जाता है। ओके अब हम देखेंगे दैट इज द फाजमीड्स किसको कहा गया है। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में, तो यहां पर इस तरह से आपको कुछ ऐसे सर्कुलर बॉडीज मिलेंगे, ओके जो कि सेंसरी सेंसिला जिसको कहा जाता है, विच इज सेंसरी इन नेचर, ओके जिसको हम फाजमीड कहा जाता है, जिसको फाजमीड कहा जाता है, और जो एक ऐसे शेप के रहते हैं थोड़े से, ओके जिसको हम एम्फीड्स कहते हैं, ओके जो एंटीरियर रीजन में रहते हैं, लेकिन यहां पर जो फाजमीड है वो पोस्टीरियर रीजन में रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर फाजमीड बिल्कुल नहीं है उनको हम अफाजमीडा में बिलोंग करते हैं। सो फाजमीड इज कंप्लीटली एब्सेंट, ओके और फाजमीडा के अंदर फाजमीड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको फाजमीडा कहा गया है। अब एम्फीड जो है वो दोनों में होता है, लेकिन वेरियस टाइप्स के हैं, अफाजमीडा के अंदर जो है अलग अलग टाइप के हमको एम्फीड्स मिलेंगे, लेकिन फाजमीडा जो होता है, फाजमीडा के अंदर एम्फीड जो होते हैं वो नियर एंटेरियर एंड रहते हैं, नियर एंटेरियर एंड। ओके तो फाजमीड और एम्फीड दोनों भी है फाजमीडा के अंदर, लेकिन एम्फीड की लोकेशन जो है फाजमीडा के अंदर वो क्या है, नियर एंटेरियर एंड, लेकिन अफाजमीडा के अंदर जो है वो थ्रू आउट दी बॉडी है और अलग अलग टाइप के उसके अंदर एम्फीड्स हमको मिलते हैं जो कि सेंसरी इन नेचर है। ओके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिकिनेला या ट्रिकिना वर्म जिसको कहा जाता है ट्रिकिनेला, ओके ये जो वर्म है वो अफाजमीडा का एग्जाम्पल है, राइट और जो सेकेंड है इसके अंदर जो आते हैं वो एस्कैरिस, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एस्कैरिस है, और उकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ओके जो कि एलिफेंटियासिस उकरेरिया ये इसका जीनस नेम है, और बैंक्रॉफ्टी ये इसका स्पीशीज नेम है, इज इट क्लियर, उकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियल वर्म्स भी इनको कहा जाता है, फिलारिया या फिर एलिफेंटियासिस, जिसके अंदर पैर जो एलिफेंट की तरह, हाथ पैर वगैरह जो है सब एलिफेंट की तरह जो है जैसे लार्जर हो जाते हैं, तो उनको कहा गया है दैट इज एलिफेंटियासिस, जो कि ये एक वर्म है वो कॉज करता है। और जो है लोआ लोआ वगैरह आय, हमारे आय वर्म जिसको कहा जाता है, या हमारे आंखों के अंदर जो मिलता है दैट इज द लोआ लोआ, वो भी जो है वो फाजमीडा के अंदर आएगा। पिन वर्म टेल जो है उसके अंदर पिन की तरह जो होता है एक वर्म, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट बोलकर इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ओके तो ये एग्जांपल्स भी आप ध्यान में रखें। ओके तो फर्स्ट फोर बेसिक नॉन कॉर्डेट्स हमने देखे हैं, दैट इज पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लेटिहेलमिंथस एंड एस्केलमिंथस। ओके सभी के अंदर हम देखेंगे तो पोरीफेरा को हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, अब तीन क्लासेस जिसके अंदर आए थे दैट इज कैलकेरिया, हेक्साटिनेलिडा और थर्ड था डेमोस्पॉन्जी। ओके सिलेंटेरेटा के अंदर तीन क्लासेस हमने देखे दैट इज
स्काइफोज हुआ एंड पहले तो जो हाइड्रोजुआ स्काइफोज हुआ और एंथोजुआ, और फिर प्लेटिहेल में जिसके अंदर जो है तीन क्लासेस है, टर्बेलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा, और एस्केल मींस के अंदर अफाजमीडा एंड फाजमीडा। अब जो है आते हैं नेक्स्ट चार की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलूस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। अब उसके अंदर एक हम ले लेते हैं आज, दैट इज द एनेलिडा, एस्केल मींस के बाद, दैट इज इंपॉर्टेंटली वन इज दैट इज द एनेलिडा, जिसके अंदर जो है चार क्लासेस आएंगे, दैट इज पॉलीकिटी। ये जो नाम किटी बना है, दैट इज द सीटे, जो कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऐसे पैर होते हैं, जिसको कहा जाता है पॉलीकिटी, ज्यादा पॉली मतलब मेनी लोकोमोटरी ऑर्गन्स। और जो दूसरा है दैट इज द ओलिगोकिटी, ओके, ये है दैट इज एनेलिडा, एनेलिडा के चार क्लासेस, क्लियर? एनेलिडा जिनकी बॉडी रिंग लाइक एन्युलस, मतलब गोल गोल रिंग लाइक है, जिनको हम एनेलिडा कहेंगे, और उनके ये चार है, दैट इज ओलिगोकिटी, पॉलीकिटी, ओलिगोकिटी, यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं मैं ओलिगोकिटी, एंड हियर द हिरोडिनारिया, ओके, इसका लीच वगैरह कुछ एग्जांपल है, और अराकिनेलिडा, ओके, ये जो है चौथा इनका क्लास है, पॉलीकिटी, ओलिगोकिटी, हिरोडिनारिया और अराकिनेलिडा। अब इसके अंदर जो दो मेजर जो टाइप्स आते हैं जिसके अंदर पॉलीकिटी और ओलिगोकिटी, जैसे कि आप देखते होंगे नेरिस एग्जांपल है पॉलीकिटी का, अर्थवर्म एग्जांपल है ओलिगोकिटी का, और लीच ये एग्जांपल है हिरोडिनारिया का, और अराकिनेलिडा जो है वो पॉलीगॉर्डस जो एक जो है अनयूजुअल स्पीशीज है एनेलिडा के अंदर, वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इन चारों को जो है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। अगर हैबिट देखेंगे हम पॉलीकिटी का नेरिस, ओके, ये इसको आप गूगल आउट कर सकते हैं, इसके इमेज देख सकते हैं, नेरिस ये इसका एग्जांपल है, दैट इज पॉलीकिटी। और इनके हैबिट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो ये फ्री लिविंग है और मराइन बॉडीज में मिलते हैं, ओके, कॉलोनियल नहीं है लेकिन फ्री लिविंग है, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं और अटैच नहीं है किसी से, फ्री लीव करते हैं। और सेकेंड, ये जो वाटर बॉडीज इनके जिसके अंदर ये पाए जाते हैं वो मराइन वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। सेकेंड यहाँ पर है फ्री लिविंग और मॉइस्ट सॉइल के अंदर जो है, जैसे कि अर्थवर्म, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, अर्थवर्म मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये मिलते हैं, लेकिन ये जो है वो इनका हैबिटेट जो है वो टेरेस्टेरियल है, ओके, टेरेस्टेरियल और मॉइस्ट सॉइल। और हिरोडिनारिया इनका कोई हैबिटेट ऐसे एक्वाटिक रीजन में भी मिलते हैं, ये टेरेस्टेरियल में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर जो है वो एक्वाटिक है, सॉरी दैट इज द एक्टोपैरासाइट है। और दूसरी बात जो है वो बाहर से ब्लड सकिंग यानी सैंग्यूव्यूरस जिसको कहा जाता है, ये इसके अंदर एग्जाम्पल मिलते हैं, और बेस्ट एग्जाम्पल आप इसके अंदर देख सकते हैं, दैट इज द लीच इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके, हिरोडिनारिया, हिरोडीन नाम का जो केमिकल इनके अंदर रहता है which does not allow their blood to coagulate, okay, तो हमारा और जो blood जिसका blood वो suck करता है वो blood coagulate होने नहीं देता, जबकि हमारी body के बाहर जब blood आता है तो वो blood clot हो जाता है, coagulate हो जाता है, लेकिन बाहर जब blood ये suck करते हुए जब लेता है तब जो है वो blood coagulate नहीं होता because of this chemical hirudinaria। और हमारे body के अंदर भी ये पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो body जब अंदर internally जब circulation continuous होते रहता है blood का, अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए, अगर slow हो जाए तो भी हमारा blood clot नहीं होता, coagulate नहीं होता, because hirudin which prevents the coagulation or clotting of the blood, okay। और इसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो है fresh water, एक्वेटिक और टेरिस्टेरियल दोनों रीजन में ये मिलेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ये टेम्परारीली एक्टोपैरासाइट है, टेम्पररी एक्टोपैरासाइट्स, ओके। और जो चौथा आता है जो ज़्यादातर हम इसको जानते नहीं है, लेकिन ये भी एग्जांपल यहाँ पर लेना ज़रूरी है, दैट इज मरीन फॉर्म्स, मतलब सी वाटर और
ओशन वाटर में मिलने वाले जो अरैकनिडा, ये सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंटली जिस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया है वो है लोकोमोटरी ऑर्गन। अब इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज पॉलीकिटी का, दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन इज नथिंग बट दी यू नो दैट इज पैरापोडिया। ओके, पैरापोडिया अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है इस तरह से, सपोज ये माउथ जो है और ये सेगमेंट्स है इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे दो दो जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फ्लेक्सिबल प्रोजेक्शंस रहते हैं जिनको हम पैरापोडिया कहेंगे, और जिससे वो जो है वो लोकोमोट होते हैं। लेकिन इनके बॉडी के ऊपर जो है ऐसे सीटे नाम का जो ऑर्गन है अर्थवर्म के अंदर, सीटे विच एक्ट्स एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। और इन इन जो ये जो दो है वो एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। ओके, तो इसीलिए इनके अंदर कोई लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो जब बॉडी के ऊपर जब हमारे आते हैं तब जब जाकर जो है वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से लोकोमोशन की उनको ज़रूरत नहीं होती है, ब्लड सक करते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन हिरोडिनारिया, और अरैकनिडा के अंदर भी जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। लाइफ साइकिल अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो यूनिसेक्सुअल मिलती है, लाइफ साइकिल दैट इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। मेल नेरिस अलग चीज है और फीमेल नेरिस अलग है। मीन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिनके अंदर होता है, ओके, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर मेल और फीमेल होते हैं तो हम यूनिसेक्सुअल है, एक ही सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे हम। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये ऑलिगोसैकेराइड्स जो कि हम बोलेंगे इसको बायसेक्सुअल। अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये सेल्फ रिप्रोड्यूस मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। ओके, दो अलग अलग अर्थवर्म टेस्टिस स्पर्म तैयार करते हैं, और अनदर अर्थवर्म जो है उनके ओवरी से ओवा तैयार होता है, और फिर उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। इज इट क्लियर? तो ये भी बायसेक्सुअल है, दैट इज हिरोडिनारिया। ओके, बोथ दी सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। तो लीच जो एग्जाम्पल है ये बायसेक्सुअल एग्जाम्पल है जिसके अंदर टेस्टिस और ओहरी ये एक ही लीच के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे, और ये जो है वो यूनिसेक्सुअल है, दैट इज अरैकनिडा। ओके, यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स आता है, दैट इज द मेल और फीमेल। ओके, तो एग्जाम्पल्स भी हमने देखे है, दैट इज द पॉलीगॉर्डियस इज द एग्जाम्पल फॉर द अरैकनिडा, पॉलीगॉर्डियस। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने पहले पांच जो ये पहले तो चार जो है वो अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अब डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मीन्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ओके, नाउ वी कैन सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एनिलिडा के अंदर आपको मिलेंगी। ओके, और जो है उसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम भी मिलेंगे, नेफ्रिडिया और द एक्सक्रेटरी ऑर्गन। ओके, रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर मिलेगा। तो ये जो सारे फीचर्स है एडवांस फीचर्स आपको इन चारों के अंदर मिलेंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलूस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। लेकिन जो प्रिमिटिव फीचर्स है वो पहले चार के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम कि जो छह पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने कल देखे थे, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर जो इसके अंदर दो जर्म लेयर रहते हैं पोरीफेरा के अंदर, तो इसलिए डिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंड्रेटा ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेलमिंथ्स ओके से लेकर आगे और कॉर्डेट तक सभी कैसे है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये दो ही सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। जो सेकेंड क्राइटेरिया था इनको क्लासिफाई करने का वो है दैट इज सिलोम कैसे है, तो ये पहले जो तीन है पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिंथ्स ये असिलोमेट है। ध्यान में रहे कि ये जो प्लेटीहेलमिंथ्स है ये असिलोमेट है, और ये जो एस्केलमिंथ है ये सुडोसिलोमेट है, पी साइलेंट है, सुडोसिलोमेट। इज इट क्लियर? प्लेटीहेलमिंथ्स ये असिलोमेट, और सिर्फ एक ही क्लास एक ही फाइलम पूरे किंगडम एनिमेलिया में है जिसके अंदर सुडोसिलोम मिलता है, मतलब मेजोडम के स्प्लिट से वो सिलोम तैयार नहीं होता, इसीलिए उसको सुडोसिलोम कहा गया है। अब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलूस्का, इकोनोडर्मेटा इनके अंदर ट्रू सिलोम मिलता है, बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड विद द फ्लूड फील्ड कैविटी बॉडी के अंदर उनके मिलती है। ओके, जो थर्ड क्राइटेरिया था वो है दैट इज बॉडी सिमेट्री।
ओके तो इनके अंदर ये असिमेट्रिकल है, ये रेडियल सिमेट्री है, उसके बाद जो है ये बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेटा के अंदर फिर रेडियल सिमेट्री। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो सिलेंटेरेटा है, सिलेंटेरेटा के अंदर प्लेटी, ये जो लार्वल स्टेज है सिलेंटेरेटा के अंदर, लार्वल स्टेज, तो सिलेंटेरेटा की लार्वल स्टेज होती है दैट इज रेडियल सिमेट्री, ओके, और उनका जो अडल्ट है स्टेज दैट इज दी बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर आप देखेंगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की लार्वल स्टेज है बायलैटरल सिमेट्री, और अडल्ट स्टेज होती है इकाइनोडर्मेटा की जो कि हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ओके, बायलैटरल सिमेट्री है लार्वल, दैट इज द फॉर इकाइनोडर्मेटा, और सॉरी दैट इज सिलेंटेरेटा के अंदर हम अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर जो है अडल्ट स्टेज में जो है वो बायलैटरल सिमेट्री मिलेंगी। ओके, अब जो थर्ड फोर्थ क्राइटेरिया था दैट इज द बॉडी सिमेट्री के बाद बॉडी प्लान। ओके, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है पेरिफेरा के अंदर, सेल एग्रीगेट, सिलेंटेरेटा के अंदर जो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, और उनके बाद जो है ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सभी के अंदर मिलेगा। और फिर बॉडी सेगमेंटेशन, ये बिल्कुल अनसेगमेंटेड बॉडी है, अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। ओके, ये सेगमेंटेड सेगमेंटेशन जो मिलेंगे आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलेंगे। एनिलिडा के अंदर तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, आर्थ्रोपोडा के अंदर तीन ही सेगमेंट है दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, कुछ एग्जांपल्स उसके अंदर ऐसे भी है कि जिनके अंदर हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड है आर्थ्रोपोडा के अंदर, और जिसको सिफेलोथोरैक्स कहा जाता है, जिसका क्रस्टेशिया जो क्लास है आर्थ्रोपोडा का जो हम कल देखेंगे तो उसके अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो है इकाई मोलुस्का जो है अनसेगमेंटेड बॉडी है, इकाइनोडर्मेटा का भी अनसेगमेंटेड बॉडी है। ओके, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको डिफरेंशिएट किया है जो कि बेसिक्स हमने देखे आज, इनके क्लास भी हम देखे पहले पांच जो है फाइलम के, ये नेक्स्ट जो थ्री है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद फौरन कॉर्डेट, कॉर्डेट का जनरल क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट, और उसके बाद जो पांच क्लासेस मेन उनके अंदर मिलते हैं पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, तो इनके डिफरेंसेस भी हम देखेंगे सेम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो तब तक के लिए आप जो है अगर आपको कुछ सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर कोई डिफिकल्टीज क्वेरीज है तो भी आप इसको जो है मुझे पूछ सकते हैं, तो नीचे अभी चैट के अंदर जो है आप पूछ सकते हैं। ओके, और यहाँ पर तो अभी आज कोई चैटिंग नहीं की है, लेकिन जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे, डाउट्स अगर पूछेंगे तो जो है मैं उसको क्लियर कर सकूँगा। तो आज जो है पहले पांच जो है फाइलम को हमने उसके क्लासी अप टू क्लास लेवल तक हमने ये पांच फाइलम को देखा है, नेक्स्ट थ्री फाइलम और फिर कॉर्डेट को हम कल देखकर जो है इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और फिर जेनेटिक्स या फिर कुछ एक स्टूडेंट ने कल रिक्वेस्ट किया था कि प्लांट वाटर न्यूट्रिशन वगैरह वो भी चैप्टर्स हम वेनेसडे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो कल जो है ये टैक्सोनॉमी का लास्ट लेक्चर होगा, तो इसीलिए आप फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कॉम्बो प्रो इस चैनल पे भी मैं इस अपलोडेड वीडियोस को डालता हूँ तो वहाँ पर भी आप देखिए। तो तब तक के लिए जो है आपसे अलविदा लेता हूँ, सो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।